आदि पुरुष में प्रभास का लुक आता है, ये और ये देखो तीनों में क्या कॉमन है, देख रहे हो। सबसे पहले तो प्रभास का जो चेहरा है उससे जो है वो तेज जो कहे जो ग्लोरी वो जो औरा जो था ना बाहुबली में जो राजा मौली द्वारा बनाया गया था वो बिल्कुल डल हो चुका है, देखो डाउन हो गया है, सीरियस फेस है, एकदम लुक जो है डल दिख रहा है ये एकदम। चलो आप इसको इस लुक को जो है सलार कर आप चला लेंगे क्योंकि वो डार्क यूनिवर्स है, लेकिन आप भगवान श्री रामचंद्र के कैरेक्टर के लिए आप जो है ऐसा लुक देंगे वो भी मूंछों के साथ। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आदि पुरुष में गलत दिखाया जा रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी को इतना मस्कुलर और मूछों के साथ नहीं दिखाना चाहिए था, जो कि प्रभास को दिखाया जा रहा है वो भी इतने घटिया वेवफेस के साथ ही, तो ऐसा क्यों है, आइए इसके बारे में आज इस वीडियो में जानते हैं। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखना। पर ऐसा क्यों, आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो, क्यों है भगवान श्री रामचंद्र को मस्कुलर दिखाना क्यों नहीं चाहिए, क्यों मूछों के साथ नहीं दिखाना चाहिए? तो इसका उत्तर ये है क्योंकि भगवान जो है अवतरित होते हैं, वे प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता, इसलिए कहा जाता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, अर्थात उनका जन्म नहीं होता, वो स्वयं से अवतरित होते हैं, अर्थात उनका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं किया जाता, उनका निर्माण वो स्वयं करते हैं, वो स्वयं से अवतरित होते हैं। जहाँ कहा जाता है विप्रधेनु सुरसंत हितलिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निमित्तनु माया गुण गोपार, अर्थात विप्रधेनु और सुरसंत अर्थात विप्रधेनु और देवताओं और संत की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है, और निज इच्छा निमित्तनु अर्थात स्व इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का निर्माण किया है, न कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हो उनका शरीर नहीं है, और वे सांसारिक गुण अर्थात सात्विक तामसिक और राजसिक अर्थात सद्गुण तमगुण और रजगुण ये तीनों गुणों से परे हैं। इस प्रकार से प्रभु जब अवतरित होते हैं तब वे जीवन भर युवा रहते हैं अर्थात इटर्नल यूथ बने रहते हैं, इसीलिए आपने फोटोज़ में उन्हें सदैव जो है युवा देखा होगा, ना कि बड़े मूछों में दाढ़ी में फिर मस्कुलर देखा होगा। भगवान का शरीर सदैव युवा कोमल नयन ही रहता है, जैसे कि एक लाइन आता है श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान श्री हरि के साथ सदैव ही कोमल कमल नयन, और इस प्रकार से जो है उन्हें हमेशा चिर युवा ही माना जाता है, चिर युवा ही कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि श्री राम को आदि पुरुष में मस्कुलर और मूछों के साथ क्यों नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि इटर्नल ब्यूटी कहा जाता है वैसे ही वो श्री राम है, जो कि जैसे इटर्नल ब्यूटी कहा जाता है वो श्री राम है, जिसे चिर यौवन कहें वो श्री राम है, जो कमल नयन है वह श्री राम है, और जिसे आखिर शब्दों में कहना चाहिए द डिवाइन यूथ है जो है पर ब्रह्म है, जो यौवन का चरण स्पर्श कहा जाए वो श्री राम है। और इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आदि पुरुष में उनके दाढ़ी मूछे क्यों नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें मस्कुलर क्यों नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि भगवान जब अवतरित होते हैं तब वो जीवन काल तक जब तक जीवन रहता है उनका, जब तक वो संसारिक जब तक वो अपना लीला करते हैं तब तक वो जो है चिर यौवन ही रहते हैं, उनका एज नहीं करता, मतलब उनका उम्र बढ़ता ही नहीं। इसी प्रकार से आपने फोटोज़ में सीरियल्स में देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री रामचंद्र के भगवान विष्णु के मूछे दाढ़ी और इस प्रकार से उन्हें मस्कुलर या फिर उन्हें वयस्क नहीं दिखाया जाता, वो सदैव चिर यौवन अर्थात कुमार की अवस्था में ही रहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये जवाब तो मिल ही गया होगा कि आदि पुरुष में उन्हें मूछों के साथ और मस्कुलर क्यों नहीं दिखाना चाहिए था, और इसके साथ साथ आपको ये जवाब भी मिल गया होगा आज कि हमेशा हम फोटोज़ में भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री रामचंद्र जी को और भगवान श्री हरि को क्यों है मूछों के साथ क्यों नहीं देखते, उन्हें सदा युवा क्यों युवावस्था में क्यों देखते हैं, क्योंकि वो इटर्नल ब्यूटी है, वो इटर्नल यूथ है, जिन्हें द डिवाइन यूथ भी कहा जा सकता है। तो आप क्या इसके बारे में जानते थे, कि आपको इस वीडियो से कोई नया सीख मिला हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना यार, बहुत समय हो गया सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो ये तो था हमारा वीडियो कि आदि पुरुष में भगवान श्री रामचंद्र जी के मूछ दाढ़ी है और उन्हें इतना ज़्यादा मस्कुलर क्यों नहीं दिखाना चाहिए था। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।